हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? फाइन। मुझे भी आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और एक्टिव भी होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर भी व्यस्त होंगे बेटा, क्योंकि ये ड्यूरेशन भी निकल जाएगा। एट लास्ट हमारे पास जो काम आने वाली है वो स्टडी ही काम आने वाली है। तो लगे रही हैं उसी जोश अंदाजों के साथ जो पहले लगे रहते थे, और हो जाइए तैयार मेरे साथ वापस से प्लांट किंगडम की स्टडी के लिए। तैयार हो तो चलो प्लांट किंगडम को हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा। और प्लांट किंगडम के अंदर हम लोगों ने बेटा प्रीवियसली वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, तो उस प्रीवियसली वीडियोज़ के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, वो हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने नेक्स्ट उसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कशन किया था। व्हाट आर द प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द नेचुरल क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन और क्लेडेस्टिक क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन और फेनेटिक क्लासिफिकेशन। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में ब्रीफली डिस्कशन किया। आफ्टर हम लोगों ने बेटा जो डिस्कशन किया था टैक्सोनॉमी को भी हम लोगों ने देखा था, कि हम लोग प्रीवियसली वीडियोज़ के अंदर आप लोग स्टडी कर चुके हों कि हम लोगों ने टैक्सोनॉमी, व्हाट आर द टैक्सोनॉमी, कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, ये हम लोगों ने वेरियस टॉपिक प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर क्लियर किए थे। और शायद आप लोगों ने यदि वो कंसेप्ट कल वाला समझ में नहीं आया होगा तो हो सकता है आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देखें और फिर आपके 100% वो मैं बिलीव है मुझे भी, और मैं प्रॉमिस भी करता हूँ कि वो आपके क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो वापस से स्टार्ट हो जाएं प्लांट किंगडम के नए कंसेप्टों के साथ। तो नए कंसेप्ट आप लोगों के पास मैं लेके आ रहा हूँ बेटा। वो कंसेप्ट क्या है कि प्लांट जो किंगडम है इसे मेजरली 4 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। प्लांट किंगडम इज क्लासिफाइड इनटू द 4 मेजर ग्रुप्स। इन्हें कितने ग्रुप्स के अंदर? 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है, मेजर ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप इज द थैलोफाइटा। फर्स्ट ग्रुप इज द थैलोफाइटा। सेकेंड ग्रुप इज द ब्रायोफाइटा। थर्ड इज द टेरिडोफाइटा और फोर्थ लास्ट इज द स्पर्मेटोफाइटा। क्लियर, तो इस तरह से बेटा 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर कंप्लीट प्लांट किंगडम को क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज द थैलोफाइटा, सेकेंड इज द ब्रायोफाइटा, थर्ड इज द टेरिडोफाइटा एंड फोर्थ अदर इज द स्पर्मेटोफाइटा। क्लियर, हम लोग बेटा जो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों के प्लांट फर्स्ट ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे, और वो है आप लोगों के थैलोफाइटा। फर्स्ट ग्रुप के बारे में हम लोग आज यहाँ इस वीडियोज के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं, और वो है आपके सामने थैलोफाइटा। बेटा फाइटा, व्हाट आर मीन्स ऑफ फाइटा, यदि हम लोग बेटा बात करें तो थैलोफाइटा जो वर्ड है बेटा ये ग्रीक लैंग्वेज के 2 टर्म से डिराइव हुआ है। फर्स्ट टर्म इज द थैलस और सेकंड टर्म इज द फाइटा। फर्स्ट इज द थैलस और सेकंड अदर इज द फाइटा। थैलस का मीन्स बेटा वही थैलस होता है, थैलस और थैलॉइड बोल सकते हैं, थैलॉइड। और फाइटा का मीन्स होता है बेटा प्लांट। इट मीन्स ऐसे प्लांट का ग्रुप जिनकी बॉडी थैलॉइड या थैलस लाइक होती है, ऐसे प्लांट का ग्रुप या दीज प्लांट जिनकी बॉडी कैसी होगी बेटा, थैलस लाइक होती है। अब फिर आपके पास फिर क्वेश्चन आएगा माइंड में, कंसेप्ट निकलेगा और निकलना भी स्वाभाविक है कि सर व्हाट आर द थैलस, व्हाट आर द थैलस और थैलॉइड, इसका मींस क्या होता है, कोई है क्या इसका मींस।
तो बेटा इसका भी मीन्स है, व्हेन प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू, व्हेन प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स इज नाउन एज द थैलस और थैलॉइड। तो ऐसी प्लांट बॉडी को बेटा क्या कह बोलेंगे, थैलस और थैलॉइड बोला जाता है। क्लियर? इट मींस लैक ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स इज नाउन एज द थैलस। क्लियर? तो थैलस का मींस क्लियर हो गया। तो थैलस का मींस क्या था, व्हेन प्लांट बॉडी, व्हेन प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ्स। क्लियर? आगे अगले कंसेप्ट की ओर बेटा हम लोग चलते हैं। अगला कंसेप्ट हम लोग बोल रहे हैं कि थैलोफाइटा जो वर्ड था बेटा, ये वर्ड देने वाला जो साइंटिस्ट था वो था आपके स्टीफन, आप लोगों के स्टीफन एंड लेचर, एल है बेटा ये, है ना, एंड लेचर। स्टीफन एंड लेचर नामक साइंटिस्ट ने फर्स्ट ऑफ ऑल थैलोफाइटा टर्म को यूज किया, थैलोफाइटा टर्म प्रपोज्ड, और थैलोफाइटा इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। थैलोफाइटा इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम। क्लियर? अगले हम लोग कंसेप्ट की बात करते हैं, वो कंसेप्ट है बेटा आप लोगों के कि जो थैलोफाइटा ग्रुप है प्लांट का, ये प्रिमिटिव है। दीज आर द प्रिमिटिव, ये ग्रुप कैसा है बेटा, प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मीन्स तो आप लोग समझ सकते हो कि अर्थ पर यदि हम लोगों ने किसी प्लांट स्पीसीज को ऑब्जर्व किया था तो वो स्पीसीज थैलोफाइटा ग्रुप की थी, क्योंकि बेटा टू किंगडम सिस्टम के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कैरोलस लिनियस ने जो टू किंगडम सिस्टम प्रपोज्ड किया था उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को, लिविंग बींग्स को टू किंगडम के अंदर क्लासीफाइड किया गया था। फर्स्ट किंगडम इज द प्लांट किंगडम और सेकेंड अनदर किंगडम इज द एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर बेटा जब टू किंगडम सिस्टम की हम लोग बात करें तो आपके जो एल्गी थी, फंजाए थे और जो प्रोकैरियोट्स थे जिन्हें हमने मोनेरा किंगडम के अंदर प्लेस किया था, क्योंकि वहाँ पर साइनो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन के बारे में हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में डिस्कशन करके आए, तो सब इन तीनों को बेटा, एल्गी को, फंजाई को और जो प्रोकैरियोट्स थे, सबको एक यूनिवर्सली एक किंगडम के अंदर टू किंगडम सिस्टम में प्लेस्ड करके रख दिया था, और वो था आप लोगों के प्लांट किंगडम। आर एच व्हिटेकर ने फिर आगे चल के वन बाय वन हर करेक्टर को फोकस किया, और फोकस करने के बाद उसने फिर एक ब्रीफली अपना किंगडम सिस्टम प्रपोज्ड कर दिया, और जो यूनिवर्सल किंगडम सिस्टम के फॉर्म में आज हम लोग उसको वैल्यूएबल मानते हैं। आज उसकी वैल्यूबिलिटी है, मोस्ट कॉमनली यूजेज यदि किंगडम सिस्टम हम लोग आज रिसेंटली मानते हैं तो कौन सा है बेटा, आप लोगों के फाइव किंगडम सिस्टम। कौन सा होगा, फाइव किंगडम सिस्टम। क्लियर? तो ये मोस्ट क्या है, प्रिमिटिव है। अगले कंसेप्ट की ओर बेटा मैं बात करता हूँ, तो वो है बेटा कि थैलोफाइटा ग्रुप के जो मेंबर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर बेटा ये कैसे हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। इट मीन्स हर जगह अवेलेबल होते हैं, एक पर्टिकुलर कोई ऐसा रीजन और प्लेस नहीं होता, वहीं पर ये इस ग्रुप के प्लांट प्रेजेंट होंगे या अपने आप को ग्रो कर रहे होंगे। हर हैबिटेट के अंदर, हर एटमोस्फियर कंडीशन के अंदर, एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर ये अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं, ये प्रेजेंट हमें मिल सकते हैं।
सो थैलोफाइटा ग्रुप मेंबर आर द ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दीज आर द कॉस्मोपोलिटन। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि इस ग्रुप के जो प्लांट थे या थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर जितने भी प्लांटों को प्लेस किया गया था वो सारे प्लांट जनरली ग्रेगरियस नेचर के होते थे। व्हाट आर द ग्रेगरियस नेचर? व्हाट आर द ग्रेगरियस नेचर? ग्रेगरियस नेचर का मीन्स होता है बेटा ग्रुपिंग, ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं, ऐसा नहीं है सिंगल सिंगल रहते हैं। कैसे रहेंगे? ग्रुप में रहते हैं। जैसे मैं कल बात कर रहा था एक फैमिली में 100 लोग हैं, वहाँ रहने की बात की जा रही थी, एक साथ नहीं रहते। यहाँ कह रहे हैं ये साथ साथ रहेंगे बेटा, क्योंकि इनकी हैबिट यही है, इनको साथ रहना पसंद है। आज की कंडीशन में तो नहीं है साथ रहना पसंद। हम लोग जनरली देखते हैं आजकल तो समय ही ऐसा आ गया कि मियाँ बीवी भी अलग होने की सोचते हैं आजकल तो। क्लियर? हस्बैंड वाइफ ये सोचे हम तो अलग रह ले तो भी अच्छी बात है, तो ये तो आज का मॉडर्न टाइम तो ये आ गया ना। क्लियर? तो हम लोग बात करें बेटा इसकी, ये कैसे होते हैं, तो ये आप लोगों के ग्रेगरियस होते हैं, ग्रेगरियस हैबिट होती है इनकी बेटा। ग्रेगरियस का मतलब ग्रुप में है ना, मैं सॉर्ट आउट इसको बारे में ग्रुपिंग की बात की जा रही है यहाँ। अगली यदि मैं बेटा बात करता हूँ हैबिटेट की बात करूँ तो जनरली ये मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। मोस्टली ये कहाँ पर अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर सर्वाइव करते हैं। उसके अलावा वेरियस वेरियस रीजन में भी अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ओनली यही होंगे। जैसे आप मैं आप कह दोगे नहीं सर आप ही पढ़ाओगे तभी हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, नहीं तो दुनिया में किसी से बायोलॉजी नहीं पढ़ने वाले, या ये सर ही पढ़ाएंगे तब बायोलॉजी, अरे बेटा सबसे पढ़ सकते हैं, जो बेटर पढ़ा दे जिससे हमें समझ में आ जाए वो सच। अच्छा क्लियर? आगे देखें अगले कंसेप्ट की ओर बेटा हम लोग चलते हैं, और वो कंसेप्ट है आप लोगों के कि थैलोफाइटा ग्रुप के बेटा जो प्लांट्स होते हैं, इन थैलोफाइटा ग्रुप के प्लांट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो मेन प्लांट बॉडी बेटा कैसी होती है? गैमेटोफिटिक होती है। गैमेटोफिटिक बॉडी होती है, और जो बॉडी गैमेटोफिटिक किसे बोलते हैं? वही बॉडी को हम लोग गैमेटोफिटिक बोलते हैं जिन प्लांटों के अंदर प्लांट बॉडी रूट स्टेम और लीव्स के अंदर मेनली डिफ्रेंशिएट नहीं होती, उन्हें ही हम लोग गैमेटोफिटिक बोलते हैं। और गैमेटोफिटिक जो बॉडी होगी ये जनरली बेटा हैप्लोन्टिक होती है, हैप्लॉइड बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? हैप्लॉइड बॉडी होती है, और इनके अंदर जो डोमिनेंट स्टेज आएगी बेटा वो हैप्लोन्टिक होगी। इसलिए यदि हम लोग लाइफ साइकिल की भी बात करना मैं यहाँ पर चाहूँ तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल इनके अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल के अंदर बेटा हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट होगी। एनसीईआरटी के अंदर बेटा आप लोग इस थर्ड चैप्टर के लास्ट पेज को ऑब्जर्व करना, वहाँ आप लोगों के ये लाइफ साइकिल के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक और हैप्लो डिप्लोन्टिक या डिप्लो हैप्लोन्टिक, ये वहाँ पर आप लोगों के एक्सप्लेनेशन दे रखा है। आगे हम लोग जब पहुँचेंगे वहाँ तक तो हम उसको भी क्लियर करेंगे बेटा। क्लियर? यहाँ तक एनी कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं तो बढ़ सकते हैं ना आगे। अब मैं बार बार बोलता हूँ आवाज़ मेरे तक नहीं आने वाली, लेकिन आपके दिल की आवाज़ मेरे तक पहुंच जाएगी। कि बच्चों को जो मेरे इन वीडियोज को आप लोग देख रहे हैं कि उन बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? तो बेटा खुद मेरे को कॉन्फिडेंस जब हो गया कि मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो बेटर किया या नहीं किया, जब मैं अपने आप को ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूं तो बच्चों के सामने तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और जब मैं खुद अपने आप सेटिस्फाई हो जाऊंगा इट मीन्स अब इन वीडियोस को जो भी बच्चा मेरे को ऑब्जर्व करेगा वो 100% सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर? तो ये है बेटा। फिर भी यदि कोई एनी आप लोगों के कोई क्योरीज हो, आपके कोई भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम आउट हो, तो आप लोग
मेरे से पर्सनल कॉन्टैक्ट करके भी उन क्वेश्चनों का, जहाँ तक मेरे पास पॉसिबिलिटीज होगी, मैं हर बच्चे का, यदि मेरे पास कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम के फॉर्म में आते हैं या कोई भी कंसेप्ट होते हैं, तो कोशिश करता हूँ कि टाइमली ही मैं उनको सॉल्व आउट कर दूँ। क्योंकि बेटा थोड़ा सा जो बिजी शेड्यूल रहे, उस बिजी शेड्यूल में, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट की भी क्लासों में बिजी रहता हूँ, लाइव क्लासों में भी बिजी रहता हूँ, तो थोड़ा सा वो बिजी शेड्यूल होने की वजह से हो सकता है डिलेइंग हो जाए कई बार माइंड से। मैंने यदि आप लोगों की उस प्रॉब्लमों को देख भी लिया तो माइंड से भी स्लिप हो जाती हैं, क्योंकि इस कंडीशन में भी दिन भर मैं इस कंडीशन में लगा रहता हूँ। क्रैश कोर्स भी हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सों के अंदर भी मेरा रोल रहता है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, क्लियर। लेकिन कोशिश में 100% करता हूँ कि हर बच्चे की ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हर प्रॉब्लम टाइमली सॉल्व आउट हो जाए। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल देता हूँ कि पढ़ाने के बाद मेरे हिसाब से शायद 90 से 95% तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 100% नहीं बोलूँगा, नहीं मेरे से बड़ा मूर्ख नहीं होगा बेटा, क्लियर। चलें आगे, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि थैलोफाइटा जो ग्रुप के प्लांट होते हैं, ये थैलोफाइटा ग्रुप के जो प्लांट है बेटा, अपने फूड को सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन दीज आर द ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक टाइप के होते हैं। वाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये अपने फूड को सेल्फ सिंथेसाइज करेंगे। लेकिन इनकी सम कुछ स्पीसीज को हम लोग हेटरोट्रॉपिक कंडीशन में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्लियर। अगले कंसेप्ट की हम लोग बेटा बात करते हैं, तो जनरली थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर जो प्लांट आते हैं, उन प्लांटों के अंदर वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लैक ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, और वैस्कुलर बंडल्स आर मेड अप बाय जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू, क्लियर। सो थैलोफाइटा ग्रुप के मेंबर को, इसीलिए क्योंकि लैक ऑफ वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, इसलिए इन्हें नॉन वैस्कुलर प्लांट्स के नेम से, नॉन वैस्कुलर प्लांट्स के नेम से भी इंडिकेट किया गया है। तो थैलोफाइटा ग्रुप प्लांट इज ऑल्सो नाउन एज द नॉन वैस्कुलर प्लांट बिकॉज लैक ऑफ वैस्कुलर बंडल इन दिस ग्रुप प्लांट। इस ग्रुप के प्लांट के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम नामक जो स्ट्रक्चर होती हैं, और इन स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग बेटा सेकंड जो यूनिट आप लोगों के हैं, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी जो आपके यूनिट हैं, उसके अंदर आप लोग डिस्कस करते हैं। प्लांट टिश्यू भी आता है, एनिमल टिश्यू के बारे में भी आप लोग वहाँ डिस्कशन करते हैं, तो इनके बारे में वहाँ आपके मेंशनेशन बेटा। आगे हम लोग बोल रहे हैं बेटा कि थैलोफाइटा ग्रुप के जो प्लांट हैं, इन थैलोफाइटा ग्रुप्स के प्लांट के अंदर, फ्लावर का भी डेवलपमेंट नहीं होता है, फ्लावर भी ओरिजिनेट नहीं होता है, फ्लावरिंग भी नहीं होती है, इसलिए इन प्लांटों को कहाँ प्लेस किया गया है, क्रिप्टोगेम्स के अंदर, यानी थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर आने वाले प्लांट क्रिप्टोगेम्स टाइप के होते हैं। व्हाट आर द क्रिप्टोगेम्स, तो नॉट हैव फ्लावर, क्लियर। अगली हम लोग बेटा बात करते हैं कि ये जो प्लांट होते हैं बेटा, थैलोफाइटा ग्रुप के जो प्लांट हैं, इन थैलोफाइटा ग्रुप के प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन मोड की हम लोग बात करते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की यदि मैं बात करना चाहूँ, तो ये इनके अंदर, इस थैलोफाइटा ग्रुप्स के प्लांट के अंदर वाय द वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोड्यूस होते हैं, वाय द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोड्यूस होते हैं, और वाय द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये अपने आप को क्या करते हैं बेटा, रिप्रोड्यूस करते हैं। वही क्वेश्चन आएगा
कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो किन किन मेथड से कंप्लीट होगी। तो नॉर्मली वाई द फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फिजन मेथड आप लोगों को बेसिक ही याद रखनी है। आगे हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे इनके बारे में, देखते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो बेटा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वही आप लोगों के एसेक्सुअल यूनिट इन प्लांट स्पोर्ट्स बनती हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट डेवलप होंगे इनके अंदर, थैलोफाइटा ग्रुप के प्लांटों के अंदर, लाइक जू स्पोर्ट्स, लाइक एप्लानो स्पोर्ट्स। जू स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट जू स्पोरेंजिया के अंदर होगा, एप्लानो स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट एप्लानो स्पोरेंजिया के अंदर होगा। क्लियर? तो इनके बारे में हम लोग वहाँ डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाइड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमिट के थ्रू होगा। अब गैमिट जो पार्टिसिपेट गैमिट है वो कैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकल किस तरह से हैं, उसके बेस पर हम लोग देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाई आइसोगेमी या आइसोगेमस, वाई एनाइसोगेमी और एनाइसोगेमस, और आपके उगेमी और उगेमस टाइप से क्या होगा, कंप्लीट होता है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा देखते हैं कि इस थैलोफाइटा ग्रुप के जो प्लांट होते हैं उन प्लांटों के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता है। Do not form embryo in this group plant. इस ग्रुप के प्लांटों के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर? मेरे हिसाब से शायद बेटा वो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। बहुत हम लोगों ने कंसेप्टों को बहुत आसानी से सिंप्लीफाई तरीके से कोशिश की है कि हर कंसेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करें, तो शायद हर कंसेप्ट आपको जो मैंने अभी तक जो एक्सप्लेन किए हैं वो कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। क्लियर? अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो एक बार इसका सूट ले लो आप लोग, वीडियो को पॉज करके भी इन कंसेप्टों को आप लोग देख सकते हो। क्लियर बेटा? आगे बढ़ें, आगे हम लोग बढ़ते हैं। थैलोफाइटा जो ग्रुप है, इस थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर बेटा एल्गी और फंजाई को मेनली इंक्लूड किया गया है, लेकिन मेनली इस चैप्टर के अंदर हम लोग प्लांट किंगडम के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो एल्गी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग नोट करेंगे एल्गी, और एनसीईआरटी को बेटा जब आप लोग ओपन करेंगे एनसीईआरटी बुक को, तो एनसीईआरटी बुक के अंदर केवल आपके पास मेंशनेशन है वो आपके एल्गी के बारे में है, ना कि थैलोफाइटा के बारे में। लेकिन हम लोगों ने ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट आप लोगों के लिए दिए हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट यानी एल्गी के कंसेप्ट या हम लोग ब्रायोफाइट के कंसेप्टों की आगे बेटा जो बात करने वाले हैं वो मोस्टली कंसेप्ट आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे बेटा। क्लियर? तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग क्या मेंशन करेंगे, एल्गी। तो एल्गी इज द मेंबर ऑफ थैलोफाइटा ग्रुप, एल्गी इज द मेंबर ऑफ द थैलोफाइटा ग्रुप, और एल्गी इज द फर्स्ट सब ग्रुप ऑफ थैलोफाइटा। एल्गी इज द फर्स्ट सब ग्रुप ऑफ द थैलोफाइटा। व्हाट आर द थैलोफाइटा, आंसर जस्ट लाइक आपके पास आ जाना चाहिए कि विच प्लांट बॉडी आर द थैलस लाइक, व्हाट आर द थैलस व्हेन द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू द रूट स्टेम एंड लीव्स। क्लियर? तो आगे कंसेप्ट की ओर हम लोग बेटा बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा कि जो आपके एल्गी है, इस एल्गी को ग्रीक लैंग्वेज के अंदर फाइकोस बोला गया है। एल्गी इज कॉल्ड इन द ग्रीक लैंग्वेज इज फाइकोस, फाइकोस। और फाइकोस से ही बेटा हम लोग बात करते हैं, एक टर्म निकल के आई जिसके अंदर हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं एल्गी के बारे में, स्टडी ऑफ एल्गी बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर की जाती है, इट इज नाउन एज द फाइकोलॉजी, और फाइकोलॉजी इज ऑल्सो नाउन एज द एल्गोलॉजी। और बेटा एल्गोलॉजी से तो बच्चा समझ जाता है, तो इस तरह से तो शायद मैंने बहुत कम रेयरली केसेस के अंदर क्वेश्चन को पुटअप होते हुए देखा है। जनरली क्वेश्चन यदि बेसिक लैंग्वेज आपके क्वेश्चन आएगा तो बेसिक क्वेश्चन आपके किस फॉर्म में आएगा, फाइकोलॉजी, क्योंकि फाइकोलॉजी को देखते ही कम से कम 50% बच्चों की विकेट उड़ जाएंगी। क्यों उड़ेंगे? क्योंकि यदि हम लोग देखेंगे तो जनरली बेटा ये वर्ड आपके एनसीईआरटी में भी अभी मेंशन नहीं है। तो फाइकोस, एल्गी को ग्रीक लैंग्वेज में बेटा वो क्या बोला जाता है, फाइकोस। और फाइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ
एलगी। क्लियर, आगे बढ़ें। आगे हम लोगों के पास बेटा कंसेप्ट आता है, वो है कि एलगी नेम गिवन बाय, एलगी नेम गिवन बाय, एलगी नेम गिवन बाय द फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी, एलगी नेम गिवन बाय द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। मैं यहाँ पर ब्लैंक रख रहा हूँ, इसके बारे में मैं नहीं बताता क्योंकि मेरे पे नहीं आता बेटा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है। इसका आंसर आपको ही देना है क्योंकि मैं भी आपसे ही सीखूंगा। क्लियर, तो यहाँ पर मैंने ये ब्लैंक रख दिया, इसलिए रखा क्योंकि मैं प्रीवियसली इसके बारे में बता चुका हूँ, तो आपको ये ढूंढना है, फिर मेरे को बता देना इसका आंसर क्या आएगा, मैं भी सीख जाऊँगा। क्लियर, अगले कंसेप्ट की ओर चलें। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो आपके क्या है बेटा, कि कुछ साइंटिस्टों का भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि साइंटिस्ट का रोल हम लोग बात कर रहे हैं, और वो हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी की बेटा बात की जाए तो एफ ई फ्रिश है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फादर ऑफ फाइकोलॉजी इज द एफ ई फ्रिश। क्लियर, फादर ऑफ फाइकोलॉजी इज द एफ ई फ्रिश, फ्रिश 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 इट मीन्स फाइको फाइको फ्रिश, फाइको फाइको फ्रिश। क्लियर, याद हो जाएगा ना, बस एक माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि साइंटिस्टों के नेम बेटा इसी तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी को बिना ट्रिक से याद करोगे तो बस वो नॉर्मल लैंग्वेज की जो कहावत होगी ना, गुड़ गोबर एक होना, वो हो जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी बहुत अपने आप में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल को रट के हम लोग काम नहीं चला सकते, और शायद मैं तो इसका खंडन बार बार करता हूँ। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ऐसी कुछ सॉर्ट आउट माइंड में मेकअप ऐसे करें कंसेप्ट जिन्हें पढ़ना ही नहीं पड़े। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बायोलॉजी को एट लास्ट जब आप लोग जाते हो तो 40-50 पेज के अंदर करा देते हैं, कुछ नहीं, केवल वो हमें 10 रजिस्टर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें केवल वो 40-50 पेज याद होने चाहिए, कंप्लीट बायोलॉजी है, और मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, गाना है ना सॉन्ग, तो बस वही हम लोग हैं, तो कभी मौका मिला तो आप लोग ऑफलाइन में इस चीज़ को देख सकोगे। क्लियर, चलें आगे, अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके हैं कि फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। यदि फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी की बेटा बात करूं तो ये है आपके एम ओ पी आयंगर। क्लियर, एम ओ पी आयंगर, तो वैसे याद हो जाएगा आयंगर, आयंगर तो देखो आई आई, अरे वो कौन आई, ये तो मेरे को भी नहीं पता बेटा, लेकिन आई आई बस, इंडियन पूछा है इंडियन, आयंगर में भी आई तो आई आई बस, सिंपल। फाइकोलॉजी में भी एफ जैसा वर्ड आ रहा है, फाई हिंदी में लिखेंगे तो एफ आएगा ना, फाइकोलॉजी हिंदी में आप लोग मेंशन करोगे तो एफ से ही लिखना पड़ेगा, और इधर भी फ्रिश आ रहा है तो फ्रिश को भी एफ से ही लिखना पड़ेगा। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग याद कर सकें, और आई आई से ये आपके याद हो गया, कहाँ साइंटिस्ट याद करने हैं, तो शायद अभी तक तो जो अपन लोगों ने पढ़ा है वो कुछ नहीं पढ़ना, एक बार माइंड में सेट हो गया तो फिर बस। क्लियर, आगे चलें, अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा मैं जो बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने वो ये है कि एलगी को, जो एलगी है इस एलगी को चाइनीज लैंग्वेज के अंदर, एलगी को चाइनीज लैंग्वेज के अंदर बेटा साहो बोला जाता है, इन चाइनीज लैंग्वेज क्या बोलेंगे इसको, साहो बोला जाता, टी साइलेंट है। क्लियर, आगे हम लोग बेटा एलगी की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूँ, वन बाय वन बेसिक प्रॉपर्टीज आप लोगों के सामने मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और बेसिक प्रॉपर्टी बहुत वेरी सिंपल है क्योंकि हम लोग बेटा थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर उनके बारे में डिस्कस करके आ चुके हैं। फर्स्ट में यदि बात करता हूँ तो मैं इसकी बात करता हूँ बेटा इसके हैबिटेट की, हैबिटेट की मैं यदि बात करूँ तो मोस्टली एलगीज आर द एक्वेटिक इन हैबिटेट, व्हाट सम एल्गल स्पीसीज आर द टेरेस्ट्रियल, सम एल्गल स्पीसीज दी ग्रो ऑन द
सेलाइनी रीजन, सम एल्गी आर द ग्रो ऑन द आप लोगों के सैंडी एरियाज, रॉक्स एरियाज, तो लिथोट्रिपिक टाइप की भी हो सकती हैं आप लोगों के पास। सम एल्गीज आर ग्रो या डेवलप्ड ऑन द प्लांट बॉडी, किसी प्लांट बॉडी के ऊपर अपने आप को डेवलप करती हैं, ग्रो करते हैं, वहाँ प्रेजेंट होती है। और दिस टाइप एल्गी इज नाउन ऑफ द एपिफिटिक एल्गी। सम एल्गल स्पीसीज बेटा ऐसी भी होंगे जो एनिमल बॉडी के ऊपर अपने आप को ग्रो करेंगी, वहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज नॉन द एपिजोइक एल्गी। तो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट की हम लोग बेटा बात कर सकते हैं। क्लियर? आगे हम लोग बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं कि एल्गी की जो बॉडी होगी वो थैलस लाइक होगी। मेन जो प्लांट बॉडी होगी वो गैमेटोफिटिक तो होगी, लेकिन थैलॉइड बॉडी होती है। इट मीन्स प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं बेटा या कि मोस्टली एल्गीज आर द ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दीज आर द ऑटोट्रॉपिक। इट मीन्स दीज आर सेल्फ फूड सिंथेसाइड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू बेटा ये अपने न्यूट्रिशन को, फूड को सेल्फ सिंथेसाइड करते हैं। सो दीज आर द ऑटोट्रॉपिक। क्लियर? आगे मैं बोल, जब हमारे पास आई फोटोसिंथेसिस की बेटा बात, तो प्रीवियसली वीडियोज के अंदर हम लोगों ने इन चीज़ों को आप लोगों ने देखा होगा कि जब फोटोसिंथेटिक की बात की जाती है तो इट मीन्स उस बॉडी के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, यस, एल्गी के अंदर भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं एज फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल, एज फॉर्म ऑफ कैरोटीन, एज फॉर्म ऑफ फाइकोबिलिंस। 8 टाइप ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट, 2 टाइप ऑफ कैरोटीन प्रेजेंट, कैरोटीनॉइड एंड जेंटोफिल फॉर्म, और नेक्स्ट इज द फाइकोबिलिंस प्रेजेंट एज द 2 फॉर्म, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। क्लियर? आगे बढ़ें, आगे हम लोग बेटा वही बात करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो आपके एल्गल स्पीसीज भी बेटा वही 3 मोड से अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है, बाय द वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बाय द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बाय द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आगे मैं बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करूँगा, वो नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोगों के पास क्या है कि इनके अंदर, एल्गी के अंदर बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा वो एंथ्रीडियम होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो प्रेजेंट होगा वो ऊगोनियम के फॉर्म में होगा। एंथ्रीडियम के अंदर बेटा एंथ्रोजॉइड का डेवलपमेंट होगा, ऊगोनियम के अंदर बेटा एग सेल का डेवलपमेंट होगा, और जो आपके यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो यूनिसेलुलर एंड विदाउट जैकेटेड होंगे। यूनिसेलुलर एंड विदाउट जैकेटेड सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द एल्गी। बट जब हम लोग ब्रायोफाइटा ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो हम विद जैकेटेड बात करेंगे, मल्टी सेलुलर कंडीशन भी हम लोग वहां पर ऑब्जर्व करेंगे। क्या होगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट कंसेप्ट, जब आप लोग एनसीईआरटी के बुक को आप लोग बेटा ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल, कैरोटिन एंड फाइकोविलिंस, ऑन द बेसिस ऑफ दीज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एल्गीज आर क्लासिफाइड इनटू द मेनली 3 क्लासेज। एनसीईआरटी ने 3 क्लासेज मेंशन की है, होने को तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करें तो वहां पर 11 कैटेगरीज के अंदर इन एल्गीज को क्लासिफाइड कर दिया गया था बेटा, लेकिन हमें एनसीईआरटी की बात करनी है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। मेरे सामने भी एक बाउंड्री लाइन है, क्योंकि मैं यदि उससे भी ज़्यादा निकल सकता हूँ ऐसा नहीं है। एल्गी एल्गी को महीने भर तक हम लोग यहाँ पर आपको सॉल्व करा सकते हैं, 2 महीने तक ले सकते हैं इसके एल्गी के ऊपर क्लासेस, लेकिन हमें मास्टर डिग्री आपको नहीं करवानी है बेटा, हमें केवल आपको क्या कराना है, नीट क्रैक करानी है। तो नीट के लिए जितना भी सफिशियंट मैटर होगा वो आपके सामने पहुँच रहा है। क्लियर बातें? आगे हम लोग बेटा बोल रहे हैं 3 क्लासेज की बात की जा रही थी। फर्स्ट क्लास इज द क्लोरोफाइसी, सेकंड इज द फियोफाइसी, और थर्ड इज द रोडोफाइसी या रोडोफाइसी। क्लियर? 3 क्लासेज ऑफ द एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट।
क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी एनसीईआरटी के अंदर बेटा यही ऑर्डर है। और एनसीईआरटी में आपके देखना पेज, आप जब थर्ड चैप्टर आप लोग डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पर एनसीईआरटी में एक टेबल आपके मेंशन है, मैं भी आपको उस टेबल को आगे डिस्कस कराऊंगा आपके। और डिस्कस करने के लिए बेटा आपको केवल क्या करना है, मेरे को फॉलो करना है। टेबल 100% याद नहीं हो जाए तो बोल देना, आंख बंद करके टेबल में कहां पर क्या चीज आएंगे ये आप लोग बोल जाओगे। देखो फर्स्ट तो आपको ये ऑर्डर याद करना है, जिस जब ऑर्डर याद हो गया, क्योंकि मैंने यही बोला बायोलॉजी के अंदर बड़ा कारनामा है, जब तक आप लोग उसको सिंप्लीफाई तरीके से नहीं पढ़ोगे तो फिर वही कहावत होने वाली है गुड़ गोबर एक होना। यदि थोड़ा सा भी ऑर्डर चेंज हो गया तो आपके माइंड में सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो आंख बंद करके ऑर्डर बस कुछ नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। एनसीईआरटी के अंदर जो आपके 3 क्लासेज मेंशन की हुई हैं उनका जो ऑर्डर दिया हुआ है उस टेबल के अंदर, फर्स्ट क्लोरोफाइसी, सेकंड इज द फियोफाइसी और थर्ड इज द रोडोफाइसी। यदि इसको देखे बेटा तो एक ट्रिक आपके यहाँ पर निकाल के दे रहा हूँ आप लोगों के सामने, उसको देख लेना आप लोग बेटा। ए बी सी डी ए टू जेड आती है ना, नहीं आती तो सीख लेना बेटा, है ना, नर्सरी में एडमिशन ले लेना है। तो आप लोग देखो फर्स्ट वर्ड को, फर्स्ट लेटर की बात करो आप लोग, सी पी और आर अल्फाबेट में देख लेना, फर्स्ट सी आता है उसके बाद में पी आएगा अल्फाबेट में, फिर आएगा आर, और यही ऑर्डर दे रखा है आपके फर्स्ट क्लास आपके क्लोरोफाइसी, सेकंड फियोफाइसी और थर्ड रोडोफाइसी दे रखी है बेटा। एनसीईआरटी को ओपन करके देख लो, यदि मेरे पे बिलीव नहीं है तो इसी कंसेप्ट के साथ बेटा आप लोगों के, हम लोगों ने आज फाइल थैलोफाइट और एल्गी की सम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। नए कंसेप्ट के साथ हम लोग आपस वापस मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।